अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन के हवाले से। कंफर्ट जोन एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान अपने आप को मुतमिन समझता है, सिक्योर समझता है, लेकिन साथ में उसके जहन में खलिश भी रहती है कि वो जिस जगह पे है वो उससे उसे आगे बढ़ना चाहिए। मसलन अगर वो जॉब कर रहा है तो उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, दूसरी जगह जॉब स्विच करना चाहता है, या कोई बिजनेस करना चाहता है, या अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहता है, लेकिन किसी भी वजह से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा। उसमें खौफ है या वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सेटल नहीं हो पाऊंगा, इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो इस कैफियत को समझने के लिए हम एक परिंदे उकाब की मिसाल लेते हैं। उकाब पे एक वक्त ऐसा आता है जब उसके जिस्मानी जो साख्त होती है वो जवाल की जानिब जा रही होती है, उसके पंख चोंच पर खराबी की जानिब जा रहे होते हैं, वो सही तौर पर उड़ान नहीं भर पाता, शिकार नहीं कर पाता। इस कैफियत में उसका ये हो सकता है कि वो या तो मौत का इंतज़ार करे, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में रहे, किसी भी किस्म की अपने अंदर तब्दीली ना लेके आए। और दूसरा ये हो सकता है कि वो हिम्मत करे, तकलीफ बर्दाश्त करे और अपनी स्किल्स को बढ़ाए और उसके बाद नए सिरे से अपनी नई हयात का आगाज़ करे। तो जब वो नई हयात का आगाज़ करता है तो इसके लिए वो किसी पत्थर पे जाके, पहाड़ पे जाके अपनी चोंच उस पर मारता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। यकीनन ये एक तकलीफ दे अमल होता है और इस तरीके से ये जो उसकी तकलीफ का अमल होता है, मुख्तलिफ एक सीरीज होती है, वो कई महीनों तक जारी रहती है। चोंच तोड़ने के बाद उसकी दोबारा से नए सिरे से चोंच आती है, रीजनरेशन का अमल होता है और उससे वो अपने नाखूनों को कुदर देता है। फिर नए सिरे से नाखून आते हैं तो वो अपने पंख को जो उनको खींच लेता है और फिर नए सिरे से पंख आते हैं, उसके परों को में नया स्ट्रक्चर आता है और वो अच्छे तौर से उड़ान भर सकता है। तो लिहाजा इस तरीके से उसका नया एक आगाज होता है वो, लेकिन ये कब होता है? जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसका सर्वाइवल भी होता है और उसकी तरक्की भी होती है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने कम्फर्ट जोन में रहें तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब कम्फर्ट जोन में भी रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो लिहाजा अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। और अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, तजिया करें, तो जिंदगी में कई मौके ऐसे आएंगे जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले होंगे। मसलन जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हमने कोई चीज सीखी तो उसके सीखने के लिए हमने स्ट्रगल की होगी, रातों को जाग के स्टडी की होगी, जब पहली बार स्कूल गए होंगे, घर के माहौल को छोड़ा होगा तो वो भी हमें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकले होंगे। तो लिहाजा हर लम्हे में जब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और जब जिस मरहले पे आप कंफर्ट जोन से निकलना छोड़ देंगे तो उसके बाद जवाल की तरफ जाएंगे और ये आपके और आपके जो यानी के अजीज हैं, जिन जो आप पे डिपेंडेंट हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। तो अब हम ये जानते हैं कि कम्फर्ट जोन से निकलने के रास्ते में क्या रुकावटें होती हैं। रुकावटों में पहला ये होता है कि नए माहौल का खौफ हो गया, हम उसमें कामयाब हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, इससे अच्छा नई इसी सिचुएशन में रहें, कोई मसला नहीं, थोड़ी खलिश होती है, हम ये जानते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि कंफर्ट जोन के बाद जिस दूसरे सर्किल में हम जाते हैं, दूसरे जोन में जाते हैं, वो होता है फेयर जोन। और अगर हम फेयर पे अपने खौफ पे काबू पा लें तो उसके बाद हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और जब हम लर्निंग सीख हो जाती है हमारी तो उसके बाद हमारी ग्रोथ होती है, यानी कि हम ग्रोथ जोन में चले जाते हैं। लेकिन उस सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने फेयर पे काबू पाएं। और इस पे काबू पाने का क्या तरीका होगा, इसमें हिम्मत करने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले तो हमें अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को रियलाइज करना चाहिए, हमें एक्सक्यूज देना बंद करना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ का जवाब देते रहेंगे, अपनी नाकामी का जवाब दूसरों पे, माशरे पे, घर वालों पे, अपने वसाइल पे देते रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हमें जवाब देना बंद करना होगा, एक्सक्यूज देना बंद करना होगा। जब एक्सक्यूज देना बंद करेंगे उसके बाद हमें अपनी सिचुएशन का तज्जिया करते हुए अपने लिए गोल्स या मकासद को तय करना होगा कि हमारे क्या मकासद हैं और हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, वो रियलिस्टिक हों। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन से मुराद ये कि अपने आप को किसी काम पे मजबूर करना, अगर हमारा दिल नहीं भी कर रहा तो भी हम उस जानिब ही खुद को
यानी कि राकिब करें, क्यों? क्योंकि जिस तरह से कि किसका दिल चाहता है था कि वो स्टूडेंट लाइफ में रात को जाके स्टडी करे, उसका सोने का दिल चाह रहा होता था। किस मजदूर का दिल करता है कि वो धूप के अंदर जो है ईंटें उठाए, लेकिन उसे एक किसी मकसद के लिए फेयर एंड फॉर्चून फैक्टर की वजह से तरक्की की खातिर उसे जो है वो ये सब करना होता है। तो लिहाजा वो सेल्फ डिसिप्लिन रखे खुद को, और सेल्फ डिसिप्लिन रखने के लिए पहले उससे वक्त जाया होने के जो जराए हैं उनको खत्म करना होगा। वक्त जाया करने के जराए कौन कौन से हैं? हम रोजाना बहुत सारा टाइम किल कर रहे होते हैं, और किल जब होता है जब हमारे पास तफरी के ज्यादा मौके होंगे, चाहे वो तफरी हमारे लिए मुफीद हो या मुफीद ना हो, तो हमारे लिए टाइम जाया करना आसान हो जाएगा। आज के दौर में सबसे ज्यादा टाइम जाया करने का जरिया टीवी चैनल्स पे हम घंटों लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, मुख्तलिफ फेक पोस्ट, फेक न्यूज वीडियोस एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, डिस्प्यूटेड चीजें इधर उधर फैला रहे होते हैं जो कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड के भी खिलाफ होती है। इसी तरीके से किसी एक पॉलिटिशियन को हम फरिश्ता बना के पेश कर रहे होते हैं, किसी को शैतान बना के पेश कर रहे होते हैं, कोई फिरका वाराना बात फैला रहे होते हैं, लेकिन ये सब करके हम माशरे की कौन सी खिदमत कर रहे हैं? जिस शख्स को हमने ये शेयर की उसमें कौन सी तब्दीली आ जाएगी, या हमें उससे क्या फायदा हासिल होगा? इसकी बानिस्बत हमें जो आता है, जो स्किल्स है, वो स्किल्स हम दूसरों से शेयर करें, और कुछ नहीं हो सकता तो उनको मोटिवेट करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको तरक्की की जानिब गामजन करें। जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उससे माशरे में तब्दीली आएगी। इस तरह की डिस्प्यूटेड चीजों से कभी भी माशरे में चेंज नहीं आता। उसके बाद हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और हम मुस्तकिल मिजाज कब हो सकते हैं? जब हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। ये तवक्को ना रखें कि एक ही रोज में 1 घंटे में सब कुछ चेंज हो जाएगा। जिस तरह से कि मैं अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पहले स्टेप में ही आप आखिरी जगह पे, आखिरी स्टेप पे कदम नहीं रख सकते, बल्कि तमाम स्टेप से गुजर के जाना होगा। इसी तरह से अगर कोई स्पोर्ट्स की हम मिसाल ले लेते हैं, अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो आखिरी ओवर किसी की हार या जीत डिसाइड नहीं करता, आखिरी ओवर का भी एक हिस्सा होता है, लेकिन जब से मैच शुरू हुआ और जब से इख्तिताम हो पजीर हुआ, उसका हर लम्हा जीत या हार का फैसला कर रहा था। इसी तरीके से हमारी जिंदगी का हर दिन, हर लम्हा जो है वो हमारी आगे मुस्तकबिल का फैसला कर रहे होते हैं। हादसा भी एकदम से नहीं होते, बल्कि वक्त जो है उनकी बरसों परवरिश कर रहा होता है। तो लिहाजा हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। किसी भी चीज की का फायदा या नुकसान हमें एक दिन में मालूम नहीं होता। जिस तरह से कि स्मोकिंग करते हुए पहले सिगरेट पीने से ही किसी के लंग्स खराब नहीं हो जाते, लेकिन लंग्स खराब होने की बुनियाद जरूर पड़ जाती है, जो हमको उस वक्त नजर नहीं आ रही होती। इसी तरह से जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हम ये सोचें कि आज ही इसका फायदा या आज ही इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर आउटपुट नहीं भी आया, लेकिन उसका आउटपुट निकला जरूर है, आपको नजर नहीं आया। तो लिहाजा हम जो है वो छोटे छोटे स्टेप जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, वही उठा सकते हैं। जिस तरह से कि हम एक दीवार बना रहे होते हैं कोई मजदूर, तो उसकी एक एक ईंट रख रहा होता है और बाय प्रोडक्ट के तौर पे पूरी दीवार बन जाती है, लेकिन अगर वो ये सोचे कि पूरी दीवार एक ही स्टेप में बन जाएगी तो यह नामुमकिन होगा। तो लिहाजा इन मुख्तलिफ चीजों पर अमल करते हुए आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, और सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने मसाइल को, अपनी चीजों को खुद बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। जब आपको ये रियलाइज हो कि आप किसी खराबी की तरफ जा रहे हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो फिर आप खुद ही अपने सेल्फ मोटिवेशन का बायस बनेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मोटिवेशन का बायस बन सकती है, किसी के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।